Hello everyone. So my name is Harimo Dey, and in today's lecture, we are going to study about virtual short concept and uh, practice questions on um, OPM. Uh, practice questions, the basic practice questions like based on CMRR and slew uh, rate and all. So uh, let us begin with. Or uh, this topic already uh, is the.

गेन के यानी कि जो भी हमारा ओपन लूप गेन होगा उसका V1 -V2 के मल्टीप्लाई के बराबर है यानी कि कह तो कि इसको सकते के बराबर होता है इसको हम लोगों ने इक्वरेंट सर्किट कॉन्सेप्ट में भी देखा था ठीक है तो मेन पर्पस क्या है कि जो डिफरेंसेस है इन दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए वो जो भी आया उसको हमें एम्पलीफाई करके मिलना चाहिए अब अगर मैं इसका गेन की बात करूं वॉट शुड बी द गेन तो गेन को हम लिख सकते हैं वी आउटपुट डिवाइड बाई वी इनपुट यानी कि वी इनपुट का मतलब ये हो गया कि हम ये इनपुट ले रहे हैं यानी कि वी डी है ना डिफरेंस सो so, अगर गेन काफी जाता है गेन इज टेन्स टू इंफिनिटी मान लेते हैं गेन इज या कह सकते हो कि टेन टू दावर फाइव के बराबर है और वी आउटपुट की वैल्यू कुछ आ रही है पांच वोल्ट दस वोल्ट कुछ भी मान लेते हैं यानी कि समथिंग लाइक टेन वोल्ट सो वट विल बी दी डी यानी कि डिफरेंस जो होगा इन दोनों का डिफरेंस वो क्या होना चाहिए सो लेट अस डी शुड बी इक्वल टू टेन डिवाइड बाई इन्फिनिटी या टेन टू दावर

वी डी इज जीरो पॉइंट जीरो 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 वन के बराबर यानी कि अप्रोक्सीमेटली जीरो सो यानी कि इस कहने का मतलब क्या है कि जो दोनों डिफरेंस है दोनों का जो डिफरेंस वोल्टेज uh, है दोनों डिफरेंस टर्मिनल्स है वो करीब करीब अप्रोक्सीमेटली जीरो होना चाहिए uh, क्योंकि जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसका गेन जो होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है ओके okay? सो so, यहां तक कि दोनों दोनों जो टर्मिनल है दोनों टर्मिनल दोनों से एक दूसरे से अलग है लेकिन फिर भी दोनों का डिफरेंस करीब करीब जीरो होता है तो इसका मतलब यह हो गया कि V1 जो टर्मिनल है वही जो और V2 टर्मिनल दोनों बराबर होने चाहिए आइडियल कंडीशन में बट प्रैक्टिकली ऐसा जनरेट नहीं होता बट आइडियली या अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलते हैं कि वी वन एंड वी टू इज इक्वल और इसी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट गेट पॉइंट वर्चुअल शॉर्ट मतलब आइडियली ये शॉर्ट नहीं है बट फिर भी वर्चुअली इट इज बोथ द वोल्टेजेस आर सेम तो अगर हम आइडियल कंडीशन में लेके चले तो ये हमें वीडियल टू यानी कि दोनों का डिफरेंस एक्जैक्टली जीरो आना चाहिए यानी V1, V1 कि जीरो और अगर हम इसके क्लोज टेन टू पावर फाइव भी लेके चलते हैं कि एक प्रैक्टिकल एक जो है टेन पावर फाइव के आसपास आना चाहिए तब भी मेरी जो वीडी की वैल्यू होगी वो पॉइंट जीरो 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 वन यानी कि काफी कम यानी कि अब वी टू के बराबर है इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल कॉन्सेप्ट यानी कि दोनों टर्मिनल करीब करीब सेम पॉइंट पे सेम वोल्टेज पे होते हैं यानी कि दोनों आपस में शॉर्ट ना होते हुए भी वर्चुअली शॉर्ट होते हैं चलिए इसको मैं डिफाइन कर देते हैं इसको ताकि आप लोगों को लिखने कैसे लिखना है इसको तो दैट वी स्टार्ट विथ बोथ टर्मिनल्स कर सकते हैं बोथ टर्मिनल्स ऑफ द ऑप हैव सेम पोटेंशियल सेम पोटेंशियल इवन दो दे आर नॉट इवन दो दे आर नॉट एक्चुअली कनेक्टेड Actually connected is called virtual short concept. Virtual short yani ki virtually kya hai dono short hai Virtually short concept. Okay? इसको हम लोग ऐसे define करते हैं. अगर मैं इसके point of view से बोलूँ तो कि अगर non-voting terminal ground मतलब virtual short का आगे का जो पॉइंट है उसको वर्चुअल ग्राउंड कहते हैं तो वर्चुअल ग्राउंड एंड वर्चुअल शॉर्ट में क्या डिफरेंस है वर्चुअल ग्राउंड व्हाट इज वर्चुअल ग्राउंड तो अगर अगर मैंने ये अभी जैसे ये बनाया था माइनस एंड प्लस तो एक टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया ये ग्राउंड तो ये टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा मतलब एक्स मान लेते हैं और ये टर्मिनल ये वाई मान लेते हैं तो एक्स टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा एक्स पे यानी कि वी एक्स विल बी इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस टर्मिनल जो वोल्टेज है वो क्या है वो जीरो है ग्राउंडेड है तो इसी को हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं वर्चुअल शॉर्ट को इफ द वन टर्मिनल जनरली हम नॉन इनवर्टिंग को कंसिडर करते हैं नॉन इनवर्टिंग क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम फीडबैक की तरह यूज करते हैं यहां पे आगे फीडबैक के बारे में हम बात करेंगे तो नॉन इनवर्टिंग अगर जो टर्मिनल है इज ग्राउंडेड देन बाई द मीन्स ऑफ वर्चुअल कॉन्सेप्ट बाई द मीन्स ऑफ वर्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होगा जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है यानी कि अदर टर्मिनल अदर टर्मिनल यानी कि नॉन इन्वर्टिंग के बाद इनवर्टिंग टर्मिनल सॉरी इन्वर्टिंग टर्मिनल विल ऑल्सो बी एट जीरो पोटेंशियलो बी ग्राउंडेड सो इनवर्टिंग पोटेंशियल और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं जीरो पोटेंशियल ठीक है लेकिन दूसरा जहां तक कि इवें दो यहाँ पे कॉमर देखे इवन दो देचुअली कनेक्टेड दे आर

इस टर्मिनल को हम आउटपुट के साथ फीड कर देते हैं फीडबैक यानी कि ये आउटपुट जो है वो इनपुट के साथ फीडबैक में होता है तो उसको हम लोग फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं और इसी वजह से ज्यादातर हम लोग जब हम वर्चुअल शॉर्ट या वर्चुअल ग्राउंड टर्मिनल को देखते हैं तो हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ही देखते हैं क्यों क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो जनरली फीडबैक में रहता है आउटपुट के साथ तो जब हम चेक करते हैं कि कौन सा टर्मिनल ग्राउंड पे है और कौन सा टर्मिनल शॉर्ट है तो जनरली हम जो पोटेंशियल देखते हैं वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल देखते हैं तो अब चलते हैं हम लोग कुछ जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ बेसिक्स दो कुछ क्वेश्चन जो आते हैं आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में और वो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर वन से सो so, पे लिखता था हूं, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन सो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाता है हमारा ओप के ऊपर सो लेटेस्ट स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स वन क्वेश्चन पहला नंबर डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज Determine the output voltage of an operational amplifier of opm -amp for the inputs. Inputs are given 300 microvolt and 240 microvolt, and the difference gain gain is 5000, and CMRR is.

एंड वी टू इज टू टू फोर्टी माइक्रो वो फाइंड आउट क्या करना है मुझे से कुछ भी directly नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे वन बाई वन फाइंड आउट करेंगे वट अबाउट वी डी डिफरेंस वोल्टेज यानी कि यह हो जाएगा वी वन माइनस वी टू यानी कि थ्री हंड्रेड माइनस टू फोर्टी इज इक्वल टू ओके सेकेंड वन इज वी सी कॉमन गेन क्या होता है कॉमन वोल्टेज क्या होता है तो हैथिंग बट थ्री हंड्रेड प्लस टू फोर्टी डिवाइड बाई टू माइक्रोवोल्ट में है इज इक्वल टू टू सेवेंटी माइक्रो वोल्ट निकल गया इसके बाद क्या गिवन है गिवन है सी एम आर आर एडी गिवेन है ये वोल्ट डिफरेंस गेन मतलब एडी ऑल्सो गिवेन AD is equal to फाइव थाउजेंड एंड सी एम to आर इज इक्वल टू टेन टू तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे CMRR के फॉर्मूले से CMRR is equal to AD by AC. So AD की वैल्यू कितनी है AD is given here हियर की okay. वैल्यू AC. So AC uh, आएगी ओके okay. अब हम निकाल लेते हैं वी आउटपुट क्योंकि हमें क्या निकालना था वी आउटपुट सो वी आउटपुट इज इक्वल टू अगेन ए डी वी डी प्लस ए सी वी सी एडी की वैल्यू कितनी थी फाइव थाउजेंड इंटू कितना निकला सिक्सटी माइक्रोवोल्ट है ना तो सिक्सटी इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स ये वैल्यू हो गई ये पूरा डिफरेंशियल मोड का और कॉमन मोड की वैल्यू हम यहां पर देखते हैं दिस इज नथिंग बट ए सी ए सी इजकल टू जीरो पॉइंट जीरो इंटू वी सी द वैल्यू इजकल टू टू सेवेंटी माइक्रो यानी कि टू सेवेंटी इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स

In uh, this way, example number two, the two inputs, two inputs of the op amp, of the op are what is that? Seven forty-five microvolt and seven forty microvolt. Okay, seven forty-five and seven forty microvolt, and AD.

the common mode due to the common mode okay so let us start the solution so in the solution what what we are going to do first given again again so given me kya kya hai almost everything is given uh, v1 we assume that uh, 745 microvolt v2 is equal to 740 microvolt. Then CMRR is given 80 decibel. It is in dB. And AD value is equal to 5 into 10 to the power 5. So first of all, we need to find out the output voltage, and then we'll go for the uh, percent error. To so calculate V output, give V output, and then percent error. लेटर सी फर्स्ट हम क्या करेंगे सबसे पहले फॉर्मूला के हिसाब से हमें निकालना है वी डी की वैल्यू सो वी इक्वल टू वी वन माइनस वी टू सो सेवन फोर्टी फाइव माइनस सेवन फोर्टी इज इक्वल टू फाइव माइक्रो माइक्रो में है जानबूझ के मैंने यहां पर लिखा सो so, थोड़ा सा ये करने के लिए तो सेवन फोर्टी फाइव नाउ नेक्स्ट वन इज वी आर

ओके okay. सो so, अभी ये वैल्यू कितनी है इसकी वैल्यू होया गिवन है? Uh, है 80 डेसिबल तो इट इज 80 एंड देन 20 लॉग लॉग का मतलब बेस लॉग लॉग बेस 10 है AD is equal to 5 into 10 to the power 5 और divide by AC हमें AC निकालना है तो ये 20 से ये करेंगे कितने बार फोर टाइम्स में जाएगा तो अगर मैं इसका anti log लूँ तो क्या हो जाएगा log base 10 है तो 10 to the power 10 to the power 4 is equal to फाइव इंटू टेन टू द फाइव डिवाइड बाई ए सी क्योंकि लॉग हट गया एंटी लॉग सो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई सो ए सी इज इक्वल टू फाइव 10 टू टेन टू दावर फाइव डिवाइड बाई टेन टू द फोर और दिस इज नथिंग बट विल बी गेटिंग फिफ्टी ए सी की वैल्यू आ गई फिफ्टी तो अब फॉर्मुला लगा दे वी आउटपुट इज इक्वल टू ए डी वी डी प्लस ए सी Vc that means it is equal to V output is equal to AD is equal to 5 into 10 to the power 5 into VD is equal to 5 into 10 to the power minus 6 plus 50 AC value AC into VC for 742.5 into 10 to the power minus 6. And if you calculate this value, how much will we be getting? We'll be getting.

वैल्यू ऑफपुट नाट आउटपुट गेन कैसे निकालेंगे निकाल दूसरा तो तरीका क्या है ऐसे लिख सकते हैं कि सिर्फ अगर V नॉट में से निकालने क्या AC, VC, तो क्या बचेगा एसी वी सी तो ए सी वी सी डिवाइडपुट इन टू हंड्रेड दोनों में से कोई भी हम यूज करें तो हमें परसेंटेज एरर निकल जाएगा ठीक है सो लेट अस सी हम क्या करता है मैं डायरेक्टली यहां वैल्यू पुट करता हूं कॉमन मोड की वजह से जो हमारा आउटपुट आ रहा है तो कॉमन मोड की वजह से कितना आ रहा था ये फिफ्टी इंटू Seven four two point five into ten to the power minus six, or divided by total output, 2.5 2 five three seven two seven five into hundred. So what we'll be getting is equal to one point four. 5, का था जो की हम लोग क्या करने ये थे CMRR के ही है, CMRR and के उपर, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए पर्सेंट एर पूछा गया है अब और एक बेसिक्स uh, क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा गया था दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ल्यू रेट क्वेश्चन नंबर थ्री सो लेट अस सी दिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आल्सो थर्ड क्वेश्चन एन ऑप एम एंड ऑप एम हैज स्ल्यू रेट हैज स्ल्यू रेट फिफ्टीन वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड Then then calculate, then calculate its full power bandwidth. It's full power bandwidth. When full power bandwidth for a peak voltage of 10 volt. For a peak voltage of 10 volt. Okay, this is the question. So uh, it is a uh, uh, little interesting question. So let us solve.

और ओमेगा टी आपका जो है वो वेव फॉर्म है और अगर हम स्लीव रेट का फॉर्मूला रखें तो स्लीव रेट का फॉर्मूला क्या होता है डीवी नॉट डिवाइड बाई डी टी की मैक्सिमम वैल्यू अगर अगर मैं यहाँ पे ये वी आउटपुट की फॉर्मूले को मैं पुट कर दूं यानी कि डीवी नॉट बाई डी टी अगर निकाल लू इसके केस में इसमें यहां पे तो क्या हो जाएगा डी वी साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई डी टी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम यही सोल्यूडेट होता है लेट अस सी सो अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो साइन का कितना हो जाएगा कॉस यानी कि कॉस ओमेगा टी और यहां पे वी तो एज इट इज है ही क्योंकि वी के साथ हमने निकाला है और क्योंकि हमने टी के रिस्पेक्ट में किया है तो डिवाइड बाई हमारी कितना वैल्यू आ जाएगी v cos uh, dv not by हो गई v cos omega t ओके okay. एंड अगर हम टी के रिस्पेक्ट में अगर हम इसकी वैल्यू ये करते हैं तो ये आ जाएगा इनटू टी डीटी के रिस्पेक्ट में इनटू ओमेगा सो एस आर इज इक्वल टू दिस वन एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू इजंट इट सो व्हाट विल हैपन सो एस आर स्लीव रेट इज इक्वल टू अब इसकी पूरी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इक्वल टू वन वी इंटू सिर्फ फ्रीक्वेंसी रेंज यानी आस्किंग फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो अब हम कह सकते हैं कि वी मैक्सिमम तो टेन है v कितने दिया हुआ है पीक वैल्यू टेन दिया हुआ है टेन इंटू ओमेगा मैक्स इज इक्वल टू एस आर

इसका फॉर्मूला क्या बना अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछे बिना सॉल्व तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि और यही फॉर्मूला हमें निकालने के लिए यह सारा यह किया हुआ तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला कैसे डिराइव यह किया हुआ है तो फुल पावर बैंडविथ का मतलब हो गया कि जो है, वो कितना हो गया

अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी जस्ट चेक इट आउट 238.7 238.7 किलो टू सो यू मे वेरीफाई दिस आंसर अकॉर्डिंग इट शुड कम दिस मच इफ एनी वेरिएशन सो लेट मी ओके सो दिस आर द सर्टेन क्वेश्चन ऑन दिस बेसिक टॉपिक्स वी कैन से अगर हम इसके बाद हम आगे चलेंगे आगे टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे इनवर्टिंग एम्पलीफायर एम्पलीफायर अप्लीकेशन की तरफ तो फिर उस पर हम लोग कुछ वो, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेकिन अभी तक के जो टॉपिक्स पे हमारे जो क्वेश्चन बनते थे बेसिक्स क्वेश्चन यानी कि दो मार्स के जनरली इस पे क्वेश्चन आते हैं वो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया स्ल रेट पे इसके बाद सी एम आर आर पे आउटपुट वोल्टेज पे सो आज के क्लास के लिए इतना ही थैंक यू और अगर कोई क्वेश्चन या किसी कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यू